हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वनकम। नॉर्थ सेट 2021 स्पेशल जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर के द्वारा ठीक डेली 5 से 6 बजे डेली डोज की जो क्लासेस चलाई जा रही है, जहां पर हम लोग यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और ये एमसीक्यू जो है आने वाले नॉर्थ सेट 2021 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, फटाफट लिंक को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन जरूरतमंद नीडफुल बच्चों को इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट मिले। शेयर इट एवरीबडी। सुधीर, मोहन, मोहम्मद रशीद, आयुषी, जितेंद्र, सोनू, विद्या, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। फटाफट बच्चों, लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि आज की इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कैरी ऑन कर सके। और आज का जो अपना टॉपिक है, दैट्स अ बैड शोर और बैड शोर पे बनने वाले क्वेश्चन, मैं बताना चाहता हूं बच्चों, कल जो अपनी क्लास हुई थी, कल हमने जो वाइटल साइन पे क्वेश्चन पढ़े थे, नेटवर्क इश्यू की वजह से वो क्वेश्चन कैरी ऑन पूरे नहीं हो पाए। तो आई विल ट्राई टू, पहले उन क्वेश्चन को मैं फिनिश करूंगा, फिर बैड शोर के क्वेश्चन को कैरी ऑन करूंगा, क्योंकि हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आप तक डिलीवर करने बहुत जरूरी, क्योंकि सपना आपका भी है जितना जेएनसी परिवार ने देखा आपके लिए बच्चों। ओके फाइन। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए, जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए, तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास को वॉच कर रहे हैं, जब कोई आपसे नफरत कर रहा हो, जब कोई आपको देखना पसंद नहीं कर रहा हो, तो समझ जाना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी कैपेसिटी नहीं आपको फाइट करने का, उसकी कैपेसिटी नहीं आपको हराने की। सीधा सा मतलब है, इंग्लिश में कहावत है, व्हेन द पीपल टॉकिंग अगेंस्ट यू, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग। जब लोग आपके खिलाफ और आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो समझ जाना आप जिंदगी में सफलता की ओर अग्रसर हो, आप जिंदगी में सफल होने के लिए अग्रसर हो। और ये सच बात है कि जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए, तो समझ लेना वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, समझ गए होंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूं बच्चों। एक एक बच्चे को इस इंपॉर्टेंट थॉट को अडॉप्ट करना है, क्योंकि आप अभी इस समय बेहतरीन कर रहे हो, बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन आपका चल रहा है, और आने वाले नॉर्थ सेट 2021 में आप एक सफल नर्सिंग ऑफिसर्स बनेंगे। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक बार क्लास को शेयर करें और आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं। उससे पहले तो जेएनसी जोधपुर की तरफ से ऑफर आपके लिए रन जनरेट किया है, 10th एमसीक्यू बैच का बच्चों, 10th एमसीक्यू बैच और 10th एमसीक्यू लाइव बैच, स्पेशली जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा एक बार फिर आपके अपने जेआईएनसी जोधपुर ने इस बैच के लिए ऑफर जनरेट किया है। ये ऑफर जो है ये 19 से 22 तक रहेगा बच्चों, 19 से 22 मई तक रहेगा। ये लास्ट मौका आपके लिए अपने आप को रजिस्टर करके नॉर्थ सेट 2021 का सपना पूरा करने के लिए। सिंपल, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना होगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, उसमें से एमसीक्यू बैच को सर्च करना है, क्लिक करके पेमेंट करना है। आज ही आप इस बैच के स्टूडेंट बन सकते हो। बस आपका बैच की क्लास जो है वो 3 से 7 बजे चलेगी, 24 जून को स्टार्ट होगी। तो देर किस बात की, जुड़िए जेएनसी परिवार से, करें अपने सपनों को साकार। और हमेशा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के हित में कुछ नया इनोवेटिव और कुछ नया लेके आने की कोशिश करते बच्चों। ओके फाइन। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस अपने पेंडिंग रह गए थे बच्चों, नेटवर्क इश्यू की वजह से, पहले मैं उसको आप तक डिलीवर करता हूं, वाइटल साइंस रिगार्डिंग एमसीक्यू है, फिर मैं बैड शोर और बैड शोर पे बनने वाले क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। हियर यू कैन सी, व्हाइल असेसिंग जॉन्स टेम्परेचर, यू नोट दैट इट इज 101.2 डिग्री, 2 डिग्री फारेनहाइट, वॉट इज योर फर्स्ट एक्शन। एक पेशेंट है जॉन्स, उसका टेम्परेचर चेक किया, तो टेम्परेचर मिला बच्चों 101.2 डिग्री फारेनहाइट।
What is your first action? आप क्या करोगे? Notify your supervisor, call the doctor, wait appropriate amount of time and take temperature again, have a co-worker check your work, देखिए बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉन का टेम्परेचर असिस किया और टेम्परेचर आपको 101.2 डिग्री फारेनहाइट मिला, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट एक्शन क्या होगा? एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, कोई भी पैरामीटर की हम बात करें बच्चों, और पैरामीटर में सिंगल जो वैल्यू होता है वो आइडेंटिफिएबल वैल्यू कंसीडर नहीं करते, इवन इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन। जैसे आपने राइट आर्म्स में ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया 160/120 आया, तो वी डायरेक्ट कैन नॉट से कि इसको हाइपरटेंशन है, हम लेफ्ट आर्म में और ट्राई करते हैं। कभी कभी वेरिएशंस आ सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट आंसर पुट करेगा मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहां पर सी आंसर पुट करें, सी आंसर पुट करती जा रहे बच्चों, कॉपी पेस्ट मत करना बदमाश बच्चों, क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंड करो और आंसर पुट करो। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने, जो भी बच्चे JNC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग फेसबुक पे क्लास को वॉच करें, वेहान, मोनिका, सिद्धांत, रुनिता, बच्चों फटाफट इस लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। हर एक क्वेश्चन आप तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ABCD चार ऑप्शन आपके सामने, और ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सी पुट किया, तो विच इज द राइट आंसर? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज वेट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम टू टेक टेम्परेचर अगेन, आपको वेट करना है एक सफिशियंट टाइम, 10-15 मिनट, और यू शुड टेक टेम्परेचर अगेन। कभी कभी क्या होता है, वी आर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हम थर्मामीटर के अंदर जो मर्क्यूरी होती है ना, उस मर्क्यूरी को डाउन करते ही नहीं है, और प्रीवियस पेशेंट का टेम्परेचर 101 था, उसी थर्मामीटर को लाके इस पेशेंट को लगा दिया और टेम्परेचर अगेन राइजेज अप हुआ। तो इसीलिए सिंगल रीडिंग से हम आइडेंटिफिएबल नहीं बोल सकते हैं, हमें फर्दर वेट करके एक बार और रीडिंग लेना है, देन वी कैन कंसिडर कि पेशेंट को कंडीशन क्या है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। The client begin to breathe rapidly, the nurse should, nurse क्या करेगी बच्चों? Ask the client if there have been any stressful visitor, पेशेंट से पूछना है कि आपके आसपास कोई स्ट्रेसफुल विजिटर तो नहीं है। बी में लिखा है मेजर द ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, सी में लिखा काउंट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और डी में लिखा टेक रेडियल पल्स। देखिए बच्चों, आजकल कोविड 19 पेंडेमिक चल रहा है, और कोविड 19 पेंडेमिक में ये इस तरीके के पेशेंट बहुत मिलते हैं, ब्रीथ रैपिडली बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। तो आप इसे कोरिलेट करके भी आंसर पुट कर सकते हो। द क्लाइंट बिगिन टू ब्रीथ रैपिडली, नर्स क्या करेगी? नर्स स्ट्रेसफुल विजिटर का पता लगाएगी, O2 सेचुरेशन मॉनिटर करेगी, या पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट काउंट करेगी, या रेडियल पल्स चेक करेगी। देखिए रेडियल पल्स की यहां पर जरूरत नहीं, तीन ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर एवरीबॉडी। लगभग 1400 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है, और टेररिस्ट को रिप्लाई देने के लिए JINC आर्मी ऑलवेज विल बी रेडी टू गिव रिस्पॉन्स। तो बच्चों एक बार लाइक करके उन टेररिस्ट को रिप्लाई दो जो डिसलाइक वाले पहुंच चुके हैं। लाइक एवरीबॉडी, साबा, यस, दैट आई वॉन्ट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो बिल्कुल सही, यहां पर O2 सेचुरेशन इंपॉर्टेंट है, सेचुरेशन चेक करते हैं। नॉर्मली हम बात करें माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अडल्ट को हम देखें तो O2 सेचुरेशन जो है वो 96-100% आप बोल सकते हो, मोर देन 95% आप बोल सकते हो। और वही यदि हम कंसिडर करें बच्चों दैट वी कैन से नियोनेट, तो मोर देन 91% हम कंसिडर करते हैं,
तो जब आपको नॉर्मल O2 सेचुरेशन पता होगा तो आप तुरंत पता लगा सकते हो कि पेशेंट जो है वो ब्रीथ जो है रैपिडली क्यों करता है, तो कहीं की लैक ऑफ O2 हो सकता है. तो दैट इज अ डियर नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, डियर नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी. याद रखना O2 सेचुरेशन चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज करते हैं. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि O2 सेचुरेशन मॉनिटर या मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं. बच्चों आपको लिखना है पल्स ऑक्सीमेट्री. क्या लिखना है? पल्स ऑक्सीमेट्री. पहले तो एक बड़ा सा मॉनिटर आया करता था, आजकल तो पोर्टेबल डिवाइस आती है, अब पॉकेट में रख के कहीं पर भी फिंगर पे, टिप ऑफ द नोज पे, ईयर लॉब पे लगा करके पेशेंट का O2 सेचुरेशन चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट बच्चों मैंने एक इमेज पुट किया, ध्यान से देखना. स्टेथोस्कोप क्वेश्चन बनता है. यहाँ पर एक इमेज है, उस स्टेथोस्कोप का इमेज दिया हुआ है. क्वेश्चन कहता है कि डायफ्राम और स्टेथोस्कोप आर रिस्पॉन्सिबल टू हियर. देखिए यहाँ पर स्टेथोस्कोप दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है स्टेथोस्कोप का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायफ्राम. क्या बोलते हैं? डायफ्राम. इन्होंने क्वेश्चन इसी को पूछा. डायफ्राम जो है सर्कुलर फ्लैट होता है, सर्कुलर भी है और फ्लैट शेप होता है, मतलब फ्लैट रहता है, एकदम वी कैन से राउंडेड होता है. तो ये जो डायफ्राम है, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप आर रिस्पॉन्सिबल टू हियर. हम डायफ्राम से क्या सुनते हैं? हाई पिच साउंड सुनते हैं, लो पिच साउंड सुनते हैं, इक्वल दोनों, और नन ऑफ दीज. फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों. इजी एमसीक्यू है, इजी एमसीक्यू, जहां पर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से कई बार पूछा है. क्विक आंसर पुट करिएगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा. मैंने आपसे पूछा है कि जो डायफ्राम है स्टेथोस्कोप का, उसका यूज क्या, वो क्या सुनने में मदद करता है, हाँ इजी एमसीक्यू है, डेफिनेटली इजी एमसीक्यू है. क्विक आंसर, यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट. सभी बच्चों ने यहाँ पर जो आंसर पुट किया है, दैट वी कैन से हाई पिच साउंड. देखिएगा बच्चों, हाई पिच साउंड में मैं बात करूं तो आपके जो हार्ट के साउंड की हम बात करें, That we can say S1 और S2, लब और डब हाई पिच साउंड के एग्जाम्पल. लंग साउंड की बात करें तो लंग साउंड के अंदर आपने देखा होगा ब्रोंकियल साउंड होता है, वेसिकुलर साउंड होता है, ब्रोंको वेसिकुलर. ये लंग से नॉर्मल साउंड है, इसको आप सुन सकते हो. इवन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू नो बाउल साउंड. बाउल साउंड जो है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंडिकेट करता है. तो ये सभी किसके एग्जांपल है? ये हाई पिच साउंड के एग्जांपल. किसके एग्जांपल है बच्चों? हाई पिच साउंड के एग्जांपल है. और हाई पिच साउंड किससे सुनते हैं हम लोग? डायफ्राम से. किससे सुनते हैं? डायफ्राम. डायफ्राम कैसा होता है? सर्कुलर शेप का बोल सकते हैं, फ्लैट बोल सकते हैं, सर्कुलर शेप का बोल सकते हैं. ओके फाइन. दूसरा, जब लो पिच की बात होती है याद रखना जो स्टेथोस्कोप के पीछे बैक साइड का जो पोर्शन होता है जिसको हम बेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं. याद रखना बेल जो है एल से याद रखना लो पिच साउंड सुनने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? बेल की. किसकी जरूरत पड़ती है? बेल की. याद रखना लो पिच साउंड के बेस्ट एग्जांपल फीटल हर्ट साउंड. वैसे मदर के यूट्रस में जब बच्चा होता है, तो फीटल हर्ट साउंड जो हम नॉर्मली जब भी सुनते हैं तो फीटोस्कोप यूज कर सकते हैं, डॉपलर का यूज कर सकते हैं. बट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पर हम स्टेथोस्कोप का बैक वाला जो पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? बैल बोलते हैं. ये बाउल शेप का होता है बच्चों, ये बाउल शेप भी होता है. कभी कभी आपको इनका शेप पूछते हैं, ये बाउल शेप होता है जिसको बैल बोलते हैं. और बैल यूज कहाँ करते हैं? लो पिच. याद रखना रे बदमाश बच्चों, बहुत फोटो खिंचवाते हो ना स्टेथोस्कोप गले में डाल करके, हर स्टेटस पे फेसबुक पे फोटो लगा होगा आपका, है ना? तो जब भी फोटो खिंचवाते तो पता होना चाहिए स्टेथोस्कोप की कहानी क्या है. मैं आज सारी चीज़ें आपको बताऊंगा. बड़े वाला जो पोर्शन जिसको हम बॉडी के किसी भी पार्ट पे पुट करके साउंड को सुनते हैं उसको डायफ्राम बोलते हैं. बैक साइड में छोटा वाला जो होता है उसको हम बेल बोलते हैं. ये लॉक सिस्टम होता है. कभी कभी आपने देखा होगा आप स्टेथो लगा रहे हो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो पहले आपको लॉक को ओपन करना, ऑन करना है तभी साउंड सुनाई देगा. ऑफ करके आपने स्टेथो लगाया कुछ भी सुनाई नहीं दिया और आपने बोल दिया इसको न्यूमोथोरेक्स को प्लूरल इफ्यूजन है तो मार खाओगे बच्चों. तो हमें हमेशा जब भी हम स्टेथोस्कोप का यूज करें तो याद रखना ये आपके ईयर पीस है जो कान में आप लगाते हो. देन मेटल ट्यूब्स होती है, देन फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब्स होती है, और बड़ा वाला जो पोर्शन है जिसको हम
चेस्ट पीस या डायफ्राम बोलते हैं, बैक साइड वाले हिस्से को हम बेल बोलते हैं। एक ये भी आता है, एक ये भी आता है फाउंडर ऑफ स्टेथोस्कोप, एक ये भी क्वेश्चन बनता है फाउंडर ऑफ स्टेथोस्कोप। फाउंडर की बात करें तो याद रखना रेन लेनेक, रेन लेनेक, रेन लेनेक जो है ये वो पर्सन है जिन्हें लीवर सिरोसिस का पता लगाया, ये वही पर्सन है जिन्होंने लीवर सिरोसिस का पता लगाया, यही वो पर्सन है जिन्होंने स्टेथोस्कोप का पता लगाया, स्टेथोस्कोप का पता लगाया। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट इमेज पुट किया बच्चों, इमेज को ध्यान से देखना, इमेज को ध्यान से देखना और मुझे फाइंड आउट करके इसका नाम बताना। यहाँ पर आपके बॉडी के डिस्टल पार्ट है, फिंगर है, डिस्टल पार्ट है बॉडी के, और डिस्टल पार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा इस तरीके के पैप्यूल्स बने। ये पैप्यूल्स क्यों बने, क्योंकि इसके अंदर जो सेल थे, इसके अंदर जो सेल थे, सेल में क्या हुआ बच्चों, क्रिस्टल, सेल में क्या हुआ, क्रिस्टल डिपोजिट हो गया। और क्रिस्टल डिपोजिट किसका हुआ बच्चों, फ्लूड का, फ्लूड का। और इसका रीजन क्या होता है, जब भी एक्सेसिव टेम्परेचर जो है, जहां पर भी आपके सराउंडिंग और आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर जब फॉल हो जाता है, तो सेल के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूड होता है उसकी बर्फ जम जाती है बच्चों, बर्फ जम जाती है, और इस तरीके की कंडीशन कॉज होती है, इस तरीके की कंडीशन कॉज होती है। तो फटाफट फाइंड आउट करके आंसर बताइएगा। हाँ, कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में आया। मैं और हिंट देता हूं, मैं और हिंट देता हूं। यू नो, आपने सुना होगा एक हनुमंत थप्पा थे, ग्लेशियर में, ग्लेशियर में बर्फ के नीचे दब के खत्म हो गए थे, और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में पता चला कि हनुमंत थप्पा के बॉडी में जो सेल थे, जो टिश्यूज थे, उनमें बर्फ जम गई। और आपको अच्छे से पता है बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यूज बनता है, और बहुत सारे टिश्यूज जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो सिस्टम बनता है। तो जब आप सेल जो है आपकी बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है, और सेल के अंदर यदि क्रिस्टल जमा हो गए, सेल कैन नॉट एबल टू वर्क नॉर्मली, और वो क्रिस्टल जैसे 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 अपना धीरे धीरे वो टेम्परेचर के वेरिएशन से पिघलने लगेगा तो फ्लूड का एक्युमुलेशन होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फटाफट आंसर पुट करेगा। या बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट लिखा है, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट लिखा है, वो आपका आंसर जो है फ्रॉस्ट बाइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जैक्टली क्या होता है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फारेनहाइट होता है तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोथर्मिया। ये टर्म्स तो आपने बहुत सुना होगा बदमाश बच्चों, हाइपोथर्मिया, या इसको हम बोलते हैं साइलेंट, साइलेंट किलर, साइलेंट किलर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम है बच्चों साइलेंट किलर। इवन आपका जो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का भी दूसरा नाम क्या, साइलेंट किलर। ये दो साइलेंट किलर पता भी नहीं चलता, ऊपर भेज देते हैं आपको। तो हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम है साइलेंट किलर, और हाइपरटेंशन का भी दूसरा नाम है साइलेंट किलर। तो हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फारेनहाइट से कम होना। ओके फाइन, फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है, डैमेज टू टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द कोल्ड। मतलब आपका बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट जो है लगातार कोल्ड के एक्सपोजर होगा तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के डैमेज हो जाएगा, सेल जो है फंक्शन नहीं करेगा, और वो बॉडी का पार्ट धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, और इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। बट ज्यादातर जो फ्रॉस्ट बाइट है ये कहाँ कहाँ होता है, टिप ऑफ नोज पे होता है, मैंने शायद लिखा भी होगा यहाँ पर, कॉमन साइट, फिंगर टोज फेस नोज, ये इस फ्रॉस्ट बाइट की कॉमन साइट है, ऑलमोस्ट आपके बॉडी का डिस्टल पार्ट है, ऑलमोस्ट आपकी बॉडी का डिस्टल पार्ट है बच्चों। आपने देखा होगा SPO2 जब मॉनिटर करते हैं, तो SPO2 मॉनिटर करते समय हम लोग प्रॉब लगाते हैं, हम प्रॉब लगाते हैं, तो प्रॉब यहाँ यहाँ हम लगा सकते हैं, प्रॉब का भी यही साइट है, फिंगर टूज फेस नोज और ईयर। इवन यू नो बर्गर डिजीज, बर्गर डिजीज सुना होगा, थ्रोम्बो एंजाइटिस, कार्डियोवेस्कुलर में पढ़ते हैं, बर्गर डिजीज और थ्रोम्बो एंजाइटिस के अंदर भी यही साइट्स होती है, यही साइट्स होती है। तो याद रखना फ्रॉस्ट बाइट है, और फ्रॉस्ट बाइट की एक कॉमन साइट थी, माय लविंग फ्यूचर नसीब ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आउटर मोस्ट, देखिए आउटर मोस्ट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का आउटर मोस्ट, और वी कैन से आउटर मोस्ट को बोल सकते हैं बच्चों, वी कैन से सरफेस, सरफेस आउटर मोस्ट या सरफेस जो बॉडी का टेम्परेचर है या बॉडी सरफेस टेम्परेचर है उसको क्या कहते हैं, कोर टेम्परेचर, रियल बॉडी टेम्परेचर,
शाल टेम्परेचर और नन ऑफ दीज। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की आउटर टेम्परेचर या बॉडी सरफेस टेम्परेचर जो है वो कौन सा टेम्परेचर कहलाता है, वो कौन सा टेम्परेचर कहलाता। बच्चों आंसर आने चाहिए, आंसर आना चाहिए। लगभग 1700 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, आंसर आना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी बच्चे क्लास को वॉच करें एक बार लाइक जरूर करें, क्यों टेररिस्ट का जवाब देने का जिम्मेदारी जेएनसी आर्मी के पास है। लाइक इट एवरीबडी, लाइक इट एवरीबडी। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। आउटर मोस्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज क्या बोलेंगे बच्चों, कोर टेम्परेचर, रियल बॉडी टेम्परेचर, शाल टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपके सामने, विच इज द राइट आंसर। आउटर मोस्ट को हम सरफेस बोल सकते हैं, सरफेस बॉडी टेम्परेचर के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं बच्चों। पुट द राइट आंसर एवरीवन। मैक्सिमम बच्चे यहां पर शाल लिख रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखिए शाल का मतलब आउटर बॉडी टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बॉडी सरफेस का टेम्परेचर देखना होता है तो हम कौन कौन सी साइड प्रीफर करेंगे, एक्सिलरी साइड से। एक्सिलरी जो साइड से, एक्सिला से जब हम टेम्परेचर लेंगे तो सरफेस का टेम्परेचर मिलेगा, इवन ग्रोइन, इवन ग्रोइन, ग्रोइन से जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो भी सरफेस का टेम्परेचर मिलेगा। सरफेस का मतलब आउटर सरफेस का टेम्परेचर बच्चों, इसको हम शाल टेम्परेचर बोलते हैं। शाल का मतलब आउटर मोस्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या बॉडी सरफेस टेम्परेचर, ऑल्सो नाउन एज वी कैन से शाल टेम्परेचर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा यहां लिखा बच्चों कोर टेम्परेचर, याद रखना कोर टेम्परेचर जो है बच्चों, याद रखना कोर टेम्परेचर का दूसरा नाम है रियल बॉडी टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर का दूसरा नाम है रियल बॉडी टेम्परेचर, और कोर टेम्परेचर का मतलब मैं बता देता हूं, बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, मतलब बॉडी के अंदर का तापमान जो है वो कोर टेम्परेचर कहलाता है। और इंटरनल टेम्परेचर की साइड्स की हम बात करें तो सबसे बेस्ट आंसर मैं पुट कर सकता हूं रेक्टम, दूसरा ओरल, ओरल, इवन बच्चों टिम्पेनिक, इवन बच्चों टिम्पेनिक। ये जो तीन साइड है, टिम्पेनिक है, ओरल है और वीक है, रेक्टल है, इन साइड से हम जो बॉडी का टेम्परेचर लेंगे वो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होगा बच्चों, वो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होगा, जिसको हम कोर टेम्परेचर बोल सकते हैं, रियल बॉडी टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, फाइनली जो रिमेनिंग पोर्शन को फिनिश करके जिस टॉपिक का आज बेसब्री से आपको इंतजार था, बेड शोर, और बेड शोर से रिगार्डिंग क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ हर एमसीक्यू पढ़ने का हक आप ही को है बच्चों। कुछ टेक्निकल इश्यूज कर रहे हैं, कोशिश बहुत की, बट ये क्वेश्चन जो पेंडिंग थे आप ही के लिए मैंने बनाए थे, और आप तक डिलीवर करना मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पता है, अच्छे से लर्न करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और यदि आपको सच में लगे कि जो सर हमारे लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं वो हमारे लिए वैल्यूबल है, तो इस इम्पोर्टेंट क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि वो ज़रूरतमंद बच्चे पढ़ सकें जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनको फाइनेंशियल इश्यू है, जिनको फैमिली इश्यू है, जिनको सोसाइटल इश्यूज़ है और सच में पढ़ना चाहते हैं ना, उन बच्चों के लिए ये गोल्डन की का काम करेंगे और वो डेफिनेटली अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो ये आपकी जवाबदारी बच्चों। आप जेएनसी के चैनल पे लगभग देखो 700 से 800 क्लासें पढ़ी है, एक बार आप पढ़ने बैठोगे कोई एंड नहीं है, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट, हर रीजनिंग मैथ्स तक आपको वहाँ पर अवेलेबल है बच्चों, है ना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इस इम्पॉर्टेंट आपके अपने चैनल की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दें, ताकि वो जुड़े, पढ़ें, समझें और अपने सपनों को पूरा करें। और ये जेएनसी आर्मी आपकी जवाबदारी है बच्चों, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू, यू आर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एलिब्रेट, टू एक्सप्लोर, टू स्प्रेड योर जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म इन एवरीवेयर, इन एवरीवेयर। यू शुड सजेस्ट, यू शुड डेफिनेटली यू विल सी सजेस्ट। तो ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। ओके फाइन, थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। कहते हैं ना बच्चों, जेआईएनसी है तो भरोसा, जेआईएनसी है तो क्वालिटी, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन, और जेआईएनसी है तो मुमकिन है। इट्स ट्रू, क्योंकि जेआईएनसी जोधपुर नर्सिंग स्पेशलिस्ट के द्वारा संचालित ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर ऑनर से लेके टीचर से लेके पढ़ाने से हर एक्टिविटी के लोग आपको जेआईएनसी नर्सिंग प्रोफेशनल्स मिलेंगे, जो दे नो वेरी वेल कि क्या
सिलेबस है, क्या कंटेंट है, कौन सा टॉपिक एग्जाम के पर्पज जो अभी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टीच यू. ओके फाइन. बैड सोर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरी ऑन करें बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, यदि हम बैड सोर की बात करें, यदि हम बैड सोर की बात करें माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसको हम प्रेशर सोर भी बोलते हैं, इसको हम प्रेशर शोर भी बोलते हैं बच्चों, इसको हम प्रेशर प्रेशर सोर, बैड सोर और डैक्यूबाइटिस, डैक्यूबाइटिस अल्सर भी बोलते हैं, कभी कभी प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बेड सोर, प्रेशर सोर, डैक्यूबाइटिस अल्सर और वी कैन से प्रेशर अल्सर. यू कैन सी एवरीबॉडी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रेशर अल्सर आर कैटेगराइज. ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो प्रेशर अल्सर है, जो बेड सोर है, ये कौन सी कैटेगरी का हुंड है, कौन सी कैटेगरी का हुंड है. देखिएगा, एक्यूट हुंड बोल सकते हैं क्या, क्रॉनिक हुंड बोल सकते हैं क्या, पार्शियल थिकनेस हुंड बोल सकते हैं क्या, एल्कोहल हुंड बोल सकते हैं क्या, चारों में से एक आपको राइट करना है कि प्रेशर अल्सर कौन सा टाइप्स ऑफ हुंड है, वी कैन कंसिडर इन विच कैटेगरी. मैं बताना चाहता हूं, जब आपका बैड सोर स्टार्ट होता है, स्टेज वन से स्टार्ट होता है, सेकेंड से होता हुआ, थर्ड से होता हुआ, स्टेज फोर्थ तक पहुंचता है, और फोर्थ में जाकर के इसमें बॉन विजिबल होता है और ये कंडीशन कंप्लीटली डेवलप हो जाती है बच्चों. तो ये जब स्टार्ट होता है इनिशियल फेज, और धीरे धीरे ये इन्फेक्टेड होता 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 एकदम इन्फेक्टेड हो जाता है बच्चों. तो हम इसको कौन सा, कौन सी अल्सर या कौन से हुंड में कैटेगराइज करेंगे, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, साबस, फटाफट फटाफट आंसर पुट करेगा, वी विल कैटेगराइज इन विच कैटेगरी, ए बी सी डी, ए बी सी डी. दे फेसबुक पे जो बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, यू विल शेयर टू एवरी वन बच्चों, आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो, काफी बच्चे तो मैं देख रहा हूँ पिछले 3 से 4 दिन में लगातार सिस्टमेटिकली इस टॉपिक को 5 से 6 बजे डेली डोज को अटेंड करते हैं. तो एक्यूट, क्रॉनिक, पार्शियल, एल्कोहल, या बिल्कुल, मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर क्रॉनिक हुंड लिखा है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, इसको हम क्रॉनिक हुंड कंसिडर करते हैं. देखिएगा, क्योंकि इनिशियल फेज में, जब स्टेज फर्स्ट में होता है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको रेडनेस और एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, उस समय ये हम हुंड नहीं बोल सकते, और जैसे जैसे ये कंडीशन सीवियर होती जाएगी तो ये हुंड डेवलप हो जाएगा, और ये कंडीशन स्टार्ट जब हुई थी एक्यूट से जा करके जब कंप्लीट हुंड डेवलप हुआ तो ये क्रॉनिक में एंटर हो गया. इवन इसको मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, क्रॉनिक हुंड के साथ साथ हम इसको ये भी बोल सकते हैं कंटामिनेटेड हुंड, ध्यान रखना, कंटामिनेटेड हुंड बोलते हैं बच्चों, कंटामिनेटेड हुंड बोलते हैं. इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको बताता हूँ, बेड सोर वी कैन कंसिडर कंटामिनेटेड हुंड. अब क्या होता है, अब क्या होता है, जब भी हम फ्रेश हुंड की बात करें, जब भी हम फ्रेश हुंड की बात करें, या हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करें, ध्यान से देखना बच्चों, जब हम फ्रेश हुंड की बात करें, हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करें, तो जब आप हुंड को क्लीन करोगे या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन करोगे, ध्यान से देखना बच्चों, हुंड को आप क्लीन करोगे और ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करोगे तो हमें सेंटर टू पेरिफरी जाना होगा बच्चों, हमें सेंटर टू पेरिफरी बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. जब भी हम फ्रेश हुंड को क्लीन करते हैं, तो क्लीन करते समय हमें क्या करना है, हुंड के सेंटर में गॉस पीस रखना, हुंड के सेंटर में गॉस पीस रखे, फिर सेंटर टू पेरिफरी आपको रोटेट करके, जिसे आपने पेरिफरी किया, सीधा किडनी ट्रे में डाल देना. ऐसे रब नहीं करना रे बदमाश बच्चों, रब नहीं करना, प्रेस नहीं करना है. आप क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्लीन. दिस इज अ रॉन्ग वे, दिस इज अ टोटली रॉन्ग वे. When you should clean the hund, और hund जो fresh है, अभी आप cycle चला रहे हो, bike पे जा रहे हो, road पे गिर गए और आपका अब epidermis या dermis erode हो गया, वो patient hospital में आता है, तो बदमाश बच्चे क्या करते हैं, side से clean करते 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 center में लाके छोड़ देंगे. अब बेटा contaminated हो जा,
वुंड को बोलेंगे अब जितना हो सके इन्फेक्टेड हो जा। ये गलत प्रैक्टिस है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है बच्चों। जब भी आप वुंड को क्लीन करते हो तो गॉस पीस को पहले सेंटर में रखना है और सेंटर में रख के आपको क्लीन करना है, बाहर की ओर जाना है और फिर आपको सीधा किडनी ट्रे में पुट करना है। दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। दूसरा इसके साथ मैंने पुट किया है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जब ब्रेस्ट कैंसर से पहले प्री डिटेक्शन में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है तो ब्रेस्ट को पहले सेंटर से पैल्पेट करते हैं, पहले सेंटर से पैल्पेट करें, फिर ब्रेस्ट को पैल्पेट करते हुए सेंटर टू पेरिफरी जाना है, सेंटर टू पेरिफरी जाना है, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर बोल सकते हैं, सेंटर टू पेरिफरी। ये तो हो गया ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और फ्रेश उनका। इवन बच्चों लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड बोल सकते हैं, अंदर से बाहर लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड बोल सकते हो। ये तो बात होगी फ्रेश उनकी। यदि हम बात करें यहां पर बेड सोर की, यदि हम बात करें बेड सोर, और आपको पता है बेड सोर मैंने कहा था ये क्रॉनिक और कंटामिनेटेड हुंड है, कंटामिनेटेड हुंड है। और याद रखना कंटामिनेटेड हुंड को आउटर टू इनर, पेरिफ्री टू सेंटर, पेरिफ्री टू सेंटर याद है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, पेरिफ्री टू सेंटर, पेरिफ्री टू सेंटर क्लीन करते हैं, बाहर से अंदर की ओर आते हैं। और ये गलती हम करके आते एग्जाम में, हमारे रटा रटाया सेंटर टू पेरिफ्री याद होता है, क्वेश्चन जब आते हैं तो हम सेंटर टू पेरिफ्री लिखते हैं जो फ्रेश हुंड के लिए होता है। और क्रॉनिक हुंड या कंटामिनेटेड हुंड की बात करें तो बाहर से अंदर की ओर क्लीन करना है, आउटर टू इनर, पेरिफ्री टू सेंटर। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गेट इट एवरीबडी। तीन से चार क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की। अगली बार यदि क्वेश्चन आते हैं तो मेरे बच्चे जो हैं ये आंसर सही करके आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों आप पे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए गुड वे टू असिस्ट योर पेशेंट्स प्रेशर अल्सर रिस्क इज टू यूज, मतलब सीधा है कि वो कौन सा सही तरीका है कि पेशेंट है वो प्रेशर अल्सर के रिस्क पे है और हम इसको असिस्ट कर पाए, हम पता लगा पाए कि वो रिस्क पे है, वो रिस्क फ्री है, वो नियर टू द डेवलप बेड सोर है, हम कैसे पता लगाएंगे। एम लिखा ब्रेडन स्केल फॉर प्रिडिक्टिंग प्रेशर सोर रिस्क। बीम लिखा है एम्पेरिकल नॉलेज डिराइव फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विथ अदर पेशेंट विद द प्रेशर अल्सर। सी में लिखा है ए रिव्यू ऑफ बॉडी सिस्टम अप्रोच। और डी में लिखा है ग्लास्को कोमा स्केल, ग्लास्को कोमा स्केल। इजी आंसर है, जिन्होंने सुन रखा है उन्होंने आंसर पुट करना शुरू कर दिया है। जो पहली बार सुन रहे हैं यदि समझ में नहीं आए, यू शुड वेट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डोंट ट्राई टू पुट रॉन्ग आंसर, वो आदत मत डालिएगा, वो आदत मत डालिएगा। जब हमें आंसर नहीं पता है हमें वेट करना उचित रहेगा ताकि हमारी जो हैबिट्स है वो बैड हैबिट्स में ना जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ एक जगह टिक के पढ़ने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, एक जगह टिक के पढ़ने से आपको पढ़ाने वाले टीचर की जिम्मेदारी आपके प्रति बढ़ जाती है कि आज 2000 से 2500 बच्चे लगभग डेली 1 आवर डेली डोज की क्लास का वेट करते हैं, तो जरूर उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट डिलीवर करें जो उन बच्चों को फ्यूचर में सक्सेस होने में मदद करें। और यही आपकी जेएनसी लगातार पिछले 8 मंथ से आपके लिए कंसिस्टेंट 1 आवर क्लासेस को कंडक्ट करी है। दैट इज अ ट्रू लव फ्रॉम योर साइड, दैट इज अ ट्रू लव फ्रॉम जेएनसी टूवर्ड्स यू बच्चों। ओके फाइन, चार में से कौन सा ज्यादातर बच्चों ने ब्रेंडन स्केल आंसर पुट किया है? आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, ब्रेंडन स्केल ही हम यूज करते हैं। और ब्रेंडन स्केल का मेन पर्पज होता है टू फाइंड आउट रिस्क या टू असिस्ट बैड्स और वीक से प्रेशर सोर। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ब्रेंडन स्केल जो है फर्स्ट टाइम कब डिटेक्ट हुआ, 1987। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम की पर्पज ऑप्शन बन सकता है। दूसरा पेशेंट इज ऑन रिस्क और पेशेंट डज नॉट हैव रिस्क, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। हमारा जो नॉर्मल स्कोर की हम बात करें बच्चों, ब्रेंडन स्केल में नॉर्मल स्कोर की बात करें तो टोटल सिक्स एलिमेंट्स होते हैं और इसका मिनिमम स्कोर 6 होगा और इसका मैक्सिमम स्कोर 23 होगा बच्चों। मैक्सिमम जो स्कोर है वो 23 होगा और मिनिमम स्कोर जो है बच्चों वो 6 होगा ब्रेंडन स्केल का। और बट यदि इसको हम कैटेगराइज करें तो यदि पेशेंट का स्कोर जो है लेस देन 9 आता है तो समझ जाना वेरी हाई रिस्क टू डेवलप बेड सोर। यदि स्कोर जो है लेस देन 9 आता है दैट वी कैन से वेरी हाई रिस्क।
और यदि स्कोर जो है मोर देन 19 आता है तो याद रखना नो रिस्क टू डेवलप बैड स्विंग, नो रिस्क टू डेवलप बैड स्विंग। मैंने शॉर्टली यहां पर कुछ पैरामीटर पुट किया है। ब्रिंडन स्केल फर्स्ट टाइम 1987 में आया। ब्रिंडन स्केल में 6 एलिमेंट्स होते हैं जो हम एनालिसिस और मेजर या असिस करते हैं, उसके बाद हम स्कोर को काउंट करते हैं। तो मिनिमम जो स्कोर ब्रिंडन स्केल का मिलेगा वो 6 मिलेगा, मैक्सिमम जो स्कोर मिलेगा वो 23 मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर में 4-4-1 में 3 है। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा बच्चों, 23 मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर बता रहा हूं ब्रिंडन स्केल का, 6 मिनिमम और मैक्सिमम 23। और याद रखना बच्चों, यदि स्कोर लेस देन 9 है तो पेशेंट इज ऑन रिस्क, वेरी हाई रिस्क टू डेवलप बैड स्कोर, और यदि स्कोर मोर देन 19 है तो देयर इज नो रिस्क टू डेवलप बैड स्कोर, मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरा जीसीएस की मैं बात करूं, ग्लूकोज का ग्लूकोज सॉरी ग्लासगो कोमा स्केल, इसका पर्पज है टू फाइंड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, टू फाइंड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस के लेवल का पता लगाने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल करते हैं, जिसके अंदर आई वर्बल मोटर 3 रिस्पॉन्स देखते हैं। ईवीएम से याद रखना आई वर्बल मोटर 3 रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर हम मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, फिर इस स्कोर को जोड़ते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को कौन सा लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। विच बॉडी पोजिशन साइमल्टेनियसली रिलीव प्रेशर फ्रॉम बोथ द सैक्रम एंड द ट्रोकेंटर, कौन सी पोजिशन होगी जो पेशेंट के लिए प्रेशर को रिलीज करेगी सैक्रम से और ट्रोकेंटर से, सैक्रम से और ट्रोकेंटर से। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में पूछते हैं बच्चों मोस्ट कॉमन, साइट ऑफ बेड सोर, मोस्ट कॉमन साइट फॉर बेड सोर, तो आपको आंसर लिखना है सैक्रम। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, सैक्रम। ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आपसे पूछे हैं सेकेंड मोस्ट कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट पूछे हैं, तो आपको आंसर लिखना है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हील, एडी जिसको बोलते हैं हील, दैट वी कैन से सेकेंड मोस्ट कॉमन। और ये दोनों ही कब पॉसिबल है, व्हेन द पेशेंट इज ऑन सुपाइन पोजीशन, जब पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में या सीधा लेटता है, तो सबसे मेन जो प्रेशर पॉइंट होगा वो सैक्रम होगा, और सैक्रम को मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप बेड सोर बोलते हैं। और दूसरा बच्चों यदि पूछे तो ही लिखना, और ये दोनों कब मिलेंगे, व्हेन द पेशेंट कंटिन्यूअसली लाइंग डाउन इन अ सुपाइन पोजीशन, लगातार यदि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी यहां पर बढ़ेगी बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो मैंने लिखा विच बॉडी पोजिशन साइमल्टेनियसली रिलीव प्रेशर फ्रॉम बोथ द सैक्रम एंड द ट्रोकेंटर, सुपाइन लिखा हुआ है, 30 डिग्री लेटरल पोजीशन लिखा हुआ है, 90 डिग्री साइडलाइन पोजीशन लिखा हुआ है, नी चेस्ट पोजीशन लिखा हुआ बच्चों, नी चेस्ट, 90 डिग्री साइडलाइन, 30 डिग्री लेटरल पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। तो क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा कि कौन सी पोजीशन है साइमल्टेनियसली रिलीज करता है प्रेशर फ्रॉम बोथ, कहां से, सैक्रम और ट्रोकेंटर, सैक्रम और ट्रोकेंटर, यू नो फीमर बोन में पड़ते ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेजर ट्रोकेंटर, और ऑलमोस्ट हिप के नियर ये फाइंड आउट होता है। तो आपको आंसर पुट करना है, क्या हम पेशेंट को सीधा लेटाएंगे तब प्रेशर कम होगा, नहीं होगा, 30 डिग्री लेटर पूरा लेटर नहीं होता है, 90 डिग्री लेटर होता है, दूसरा 30 डिग्री मतलब आधा लेटर, और नी चेस्ट पोजिशन का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है और ना सुपाइन का है। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से एक को राइट आंसर के रूप में पुट करेगा, क्विक आंसर लिखिएगा बच्चों, शाबाश, कॉपी पेस्ट नहीं रहे बदमाश बच्चों, चौके छक्के नहीं मारो, 30 डिग्री आप लिख रहे हो, आपका आंसर जो है यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है, 30 डिग्री लेटरल पे आप ट्रोकेंटर का प्रेशर और सैक्रम का प्रेशर मिनिमाइज कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट जो है अपने इस बेड सोर की कंडीशन से रिलीफ हो सके या प्रिवेंट हो सके डेवलप होने से बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इमेज आपके सामने पुट किया बच्चों, इमेज को ध्यान से देखना। हम यदि स्टेजेस ऑफ बेड सोर की बात करें, तो यहां पर आप जिस पेशेंट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, ये जो दिख रहा है दैट वी कैन से एपिडर्मिस, हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट इज अ एपिडर्मिस, देन दैट यू कैन सी डर्मिस,
that you can see hypodermis. This one we can say muscles. That we can say bone. That we can say bone. और सीधी सी बात है, इस बेड सोर में, इस बेड सोर में आपको बोन विजिबल दिख रहा है, इस बेड सोर में आपको बोन विजिबल दिख रहा है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये कौन सा स्टेज होगा, ये कौन सा स्टेज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? क्विक आंसर पुट करेगा, इजी क्वेश्चन है, यू हैव आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ना 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 ना, सेकंड ना लिखे, सेकंड ना लिखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पुट किया बच्चों, चारों में से कौन हो सकता है बोन विजिबल, आपको याद रखना। बॉन विजिबल है तो हम किस में कंसिडर करेंगे बच्चों, बॉन विजिबल है तो हम किस में कंसिडर करेंगे, फोर्थ जिन्होंने भी लिखा है, फोर्थ जिन्होंने भी लिखा है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चों, सीधा पूछते हैं कि बेड सोर वाले पेशेंट में बॉन जो है, बॉन जो विजिबल है वो कौन से स्टेज में आता है, तो आपको आंसर क्या लिखना, स्टेज फोर्थ। आपको आंसर क्या लिखना, स्टेज फोर्थ। बॉन विजिबल पेनलेस नेक्रोसिस और एशर, एशर को बोलते हैं, इट इज ए सेपरेशन ऑफ स्किन फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। यहां से स्किन जो है अपने सेल और टिश्यू से सेपरेट हो रहा है, इसको हम एशर बोलते हैं, एशर बोलते हैं बच्चों। तो सीधा क्वेश्चन कि बॉन विजिबल जो है वो कौन से स्टेज ऑफ बेड सोर होगा बच्चों, कौन से स्टेज ऑफ बेड सोर होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आप आंसर पुट करना स्टेज फोर्थ। क्या आंसर पुट करोगे बच्चों, स्टेज फोर्थ में। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले, जो सबसे ट्रेंडिंग में एमसीक्यू बैच के बाद कोई इंक्वायरी जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, एमसीक्यू बैच कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग कोर्स के साथ साथ जेएनसी बुक की जो डिमांड लगातार आप लोग कर रहे हो, तो मैं बार बार कोशिश करता हूं कि आपके जो क्वेरीज है मैं क्लास के दौरान फिनिश कर दूं, ताकि आपको कॉल ना करना पड़े। बच्चों दो चीज आपके, दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि यदि आपको बुक्स को परचेज करना तो बुक 5 है, दूसरा बुक की लैंग्वेज जो है बच्चों वो इंग्लिश है, तीसरा नर्सिंग के कंप्लीट सब्जेक्ट है, कंप्लीट का मतलब है रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो है, FON है, OBG, PDR, साइकेट्री, सब सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। और सबसे खास बात, इन बुक्स में बेसिक के साथ साथ एनक्लेक्स भी दिया हुआ है, एनक्लेक्स पैटर्न में भी दिया हुआ है, ताकि आप बेसिक क्लियर करके एनक्लेक्स में एंट्री कर सकते हो। ये बुक्स परचेज करने का सीधा तरीका है, इस कोविड पेंडेमिक में भी ये बुक आपके घर पहुंचेगी, ध्यान रखना। आपको www.jnc-jodhpur.com पे जाना है और बाई कोर्स में जाना बच्चों, बाई कोर्स में जाकर के आप इस बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। यदि कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहा है तो दूसरा मैंने एक और तरीका आपके सामने पुट किया है, 9636032691, ये फोन पे नंबर है, इस पे फोन पे पेटीएम कर सकते हो। करने के बाद में उस पेमेंट का रिसिप्ट और कंप्लीट एड्रेस, किस्तों में मत लिखना, कहीं नाम लिखा है, कहीं फोन नंबर लिखा है, कहीं जिले का नाम लिख रहा है, ऐसा नहीं, एक ही मैसेज में, एक ही मैसेज में पूरा एड्रेस विद पिन नंबर विद योर फोन नंबर, कि जो एड्रेस आप दोगे उस एड्रेस पे ये बुक पोस्ट की जाएगी और अगले 6 to 7 days में आपके घर पर जेएनसी पहुंच जाएगा, जहां पर एक बार देख के स्टार्ट करोगे, फिर रिव्यू जरूर लिखना कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है, नोट्स की क्वालिटी क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन पुट की हुई है। और ये सारे एफर्ट्स टीम जेएनसी ने आपके लिए पुट किए बच्चों, तो इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन जेएनसी फैमिली, क्योंकि लॉकडाउन में आप कंप्लीट कोर्स के और नोट्स के साथ साथ अपनी स्टडी को कैरी ऑन करोगे, तो ऑफलाइन के बाद तो आप ऑफलाइन बैच में धमाका करोगे बच्चों। बेसिक क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट पता चल जाएगा, नोट्स क्या पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पता चल जाएगा, तो बाकी बाद में आप जब भी ऑफलाइन एमसीक्यू बैच में जाओगे बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारे एफर्ट्स हम ट्राई करें आप तक पहुंचाने में, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों कि आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन करो, आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन करो, कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी रहें, पढ़ाई जो आपकी है कैरी ऑन होती रहे, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस कोविड महामारी में भी, इस कोविड महामारी में भी, ताकि आप अपने स्टेप्स को कैरी ऑन कर सको। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना बच्चों, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है यहां पर, अब आने वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, टाइम देना, सोचना, समझना और आंसर लिखना। पहला क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट देखिए, 86 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है बच्चों, इमोबिलाइज है, मतलब मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, एंड
इज इन द राइट लेटरल. देखना बच्चों, राइट लेटरल पेशेंट जो है वो राइट लेटरल रिकमेंड, राइट लेटरल रिकमेंड पोजिशन का मतलब है वो राइट साइड में लेटा हुआ है, दोनों पैर घुटनों से मोड़े हुए, दोनों पैर घुटनों से मोड़े हुए. जब नी को फ्लेक्स करते तो रिकमेंड पोजिशन कहलाती है, राइट साइड में तो राइट लेटरल पोजिशन कहलाती है. एंड 86 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट इज इमोबिलाइज एंड इज इन द राइट लेटरल रिकमेंडेड पोजिशन. एज द नर्स यू नो दैट विच साइड्स बिलो आर एट मोस्ट रिस्क फॉर प्रेशर इंजरी इन दिस पोजिशन. क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब आप राइट लेटरल पोजिशन में लेटे हो तो आपके बॉडी का कौन कौन सा पार्ट जो है इट रिस्क टू डेवलप बेड सोर. लेट के देखिएगा, राइट लेटरल में लेट के देखो कौन कौन सा बॉडी का पार्ट है बेड पर टिकता है, वहीं तो प्रेशर क्रिएट होगा ना बच्चों. अरे बदमाश बच्चों, जब आप राइट या लेफ्ट लेटरल में लेटते हो तो बॉडी का कौन कौन सा हिस्सा जो है बेड पे टिकेगा, बेड पे टिकेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा और वहां पर ब्लड सप्लाई ऑफ हो जाएगी, सेलो टिश्यूज में नेक्रोसिस हो जाएगा. ऑप्शन आपके सामने है सैक्रल, पटेला, एंकल, ईयर, एल्बो, हिप, हील, शोल्डर. सेलेक्ट करिएगा बच्चों, सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करना इनमें से कौन कौन सा. मैंने चार ऑप्शन आपके दिए, ए में सेलेक्ट किया, बी में किया, सी में किया, डी में किया. सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना. राइट लेटरल की बात करें बच्चों, राइट लेटरल की बात करें, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन. क्विक आंसर पुट करना बच्चों. साबा 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 साबा, बहुत बढ़िया. अब आपको आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम राइट लेटरल में लेटते हैं तो बॉडी का कौन कौन सा पार्ट है बेड पे टिकता है, वहां पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है. सैक्रम, पटेला, एंकल, ईयर, एल्बो, हिप, हील, शोल्डर. देखिए सैक्रम तो होगा नहीं क्योंकि सीधा लेटते तब होता है, हील होगा नहीं क्योंकि सीधा लेटते तब होता है. अब आंसर देखिएगा, अब आंसर देखिए बच्चों, एल्बो भी नहीं होगा रे बच्चों, एल्बो भी नहीं होगा. एल्बो भी सीधा हाथ रखते तब टिकता ना, ये एल्बो है, ये एल्बो है, सीधा हाथ रखते तब टिकता है. हम तो लेटरल में लेट रहे हैं, हम तो लेटरल में लेट रहे हैं. या बिल्कुल, अब आपका आंसर सही आने लगा, अब आपका आंसर सही आने लगा. बदमाश बच्चे गलती यही करते, गलती यही करते. थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, लेट के देख लो, पता चल जाएगा, लेट के देख लो. बिल्कुल बी जो है आपका राइट आंसर है, बी जो आपका राइट आंसर बच्चों, मैंने क्लियर पुट किया है. द राइट लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन इज वेयर द पेशेंट इज पोजीशन ऑन द राइट साइड, और वहां पर एंकल, ईयर, हिप, नी, शोल्डर है ना, ये प्रेशर पॉइंट होगा. ऐसे आप लेटते हो, कान टिकेगा, प्रेशर पॉइंट, शोल्डर टिकेगा, प्रेशर पॉइंट, हिप टिकेगा, प्रेशर पॉइंट. तो प्रेशर पॉइंट को ही तो डिटेक्ट करना, प्रेशर पॉइंट को ही तो डिटेक्ट करना बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यू आर एजुकेटिंग ए ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट. देखिए यू आर एजुकेटिंग ए ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट अबाउट द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रेशर इंजरी. आप बता रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों स्टेज के बारे में. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्टेज थर्ड ऑफ प्रेशर इंजरी. मतलब सीधा है, आप नर्सिंग स्टूडेंट को एजुकेट कर रहे हो, स्टेजेस ऑफ बेड सोर बता रहे हो, कौन सा स्टेटमेंट है इन चारों में से वो इंडिकेट कर रहा है स्टेज थर्ड ऑफ बेड सोर, वो करेक्ट है. स्टेज थर्ड ऑफ बेड सोर वो करेक्ट. हियर यू कैन सी देयर इज अ फुल लॉस ऑफ स्किन टिश्यू दैट कैन एक्सटेंड टू द मसल्स, बोन और टेंडन. मतलब यहां पर बोन विजिबल है. बी में लिखा है हॉलमार्क ऑफ द स्टेज थर्ड प्रेशर इंजरी इज दैट द स्किन विल बी इंटैक्ट बट इट नॉट ब्लंच. द स्किन विल नॉट be intact and there will be full loss of the skin tissue that can extend to the subcutaneous tissue. The wound edges will never roll away as with the stage 2 pressure sore. Stage 2 pressure sore. फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों. Put the right answer everyone. Put the right answer. मैंने पूछा stage 3 के बारे में. कौन सा स्टेटमेंट है चारों में जो स्टेज थर्ड को इंडिकेट करता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेज थर्ड जो है वो करेक्ट हो सकता है. स्टेज थर्ड जो है वो करेक्ट हो सकता है. यू आर एजुकेटिंग ए ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट अबाउट द डिफरेंस प्रेशर इंजरी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्टेज थर्ड और प्रेशर अल्सर. या बिल्कुल, चारों में से एक राइट पुट करना, चारों में से एक राइट पुट करना है. मैं यहां पर चार ऑप्शन दिया, चारों के अंदर वेरिएशन पुट किया है. आपको एक सेलेक्ट करना है, आपको एक सेलेक्ट करना है. थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखें, आंसर मिलेगा बच्चों. ए बी सी डी, ए बी सी डी,
या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, सी जो आपका राइट होगा, क्योंकि स्किन जो है वो नॉट बी इंटेक्ट, देयर विल बी फुल लॉस ऑफ स्किन टिश्यू दैट कैन एक्सटेंडेड टू द सबक्यूटेनियस, क्योंकि एपिडर्मिस गया, डर्मिस गया, सबक्यूटेनियस गया, अगला नंबर बोन का लगेगा स्टेज फोर्थ में, यहां तक स्टेज थर्ड बोन जैसे विजिबल होगा, जैसे फर्स्ट में लिखा एक्सटेंड मसल बोन, ये स्टेज फोर्थ में मिलेगा बच्चों, ये स्टेज फोर्थ में मिलेगा। मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया, स्टेज फोर्थ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मिसेस मोहन हैज अ प्रेशर अल्सर ऑन द कॉकिक्स। बच्चों इसको हम टेल बोन बोलते हैं, टेल का मतलब पूंछ, टेल बोन के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, दैट वी कैन से कॉकिक्स, विच इज अबाउट 1.5 centimeter in size, which of the following be most important nursing intervention to help heal ulcer? इन्होंने क्या किया है, पेशेंट का नाम जो है मिसेस मोहन, उसको प्रेशर अल्सर था, कॉकिक्स पे था, और उसकी साइज लगभग 1 to 1.5 centimeter था। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है जो ये अल्सर को हील होने में मदद करेगा, ये अल्सर को हील होने में मदद करेगा बच्चों। यू कैन सी एवरीबडी, ए में लिखा यूज वाटर प्रूफ मटेरियल ऑन द क्लाइंट्स बेड, बी में लिखा स्लाइड क्लाइंट अप इन द बेड फ्रीक्वेंटली, सी में लिखा चेंज पोजिशन फ्रीक्वेंटली एवरी 1 to 2 hours, और डी में लिखा एलिवेट हेड ऑफ द बेड। देखिए बच्चों, कॉकिक्स जो है ना, ये सुपाइन पोजिशन का प्रेशर पॉइंट है, जस्ट डाउन टू द सैक्रम। तो इस पेशेंट को लगभग बेड सोर देखा तो 1 to 1.5 centimeter बड़ा बेड सोर हो रखा है, और उसको हील होने में इन चारों में से कौन सा इंटरवेंशन मदद करेगा? पहली बात याद रखना, हील होने के लिए प्रेशर को सबसाइड करना होगा, जो प्रेशर वहां पर पुट हो रहा है उसको सबसाइड करोगे तो ब्लड सप्लाई रीच होगा, और किसी भी हुंड को हील होने के लिए टिश्यू रिपेयरमेंट चाहिए, और टिश्यू रिपेयरमेंट तभी होता है जब प्रोटीन और ब्लड दोनों प्रेजेंट होता है। प्रोटीन टिश्यू रिपेयरमेंट में मदद करता है, ब्लड उसकी एक्टिविटी को लीड करता है, तो ब्लड की प्रेजेंट होगी तब जब पेशेंट का प्रेशर हटेगा। तो आप चारों में से राइट आंसर, क्या बात है, बिल्कुल, ये बहुत आसानी से आपने आंसर पुट कर दिया बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर सी पुट किया। देखिए सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि एक इंटरवेंशन हम हमेशा पढ़ते हैं कि प्रिवेंट करना, यदि पेशेंट को प्रेशर अल्सर से प्रिवेंट करना है तो हम कहते हैं कि चेंज पोजीशन every 2 hours, ये हमने पढ़ा कई बार, every 2 hours। कभी कभी ऐसा भी आता है कि पेशेंट जो है वो व्हील चेयर पे, तो बच्चों पोजीशन जो है वो हर 15 मिनट से चेंज करना, हर 15 मिनट से चेंज करना है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बदमाश बच्चों, कि यदि आपको बेड पे पेशेंट है और प्रेशर अल्सर से बचाना, हर 2 घंटे से डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट की पोजीशन बदले, हर 2 आवर से पेशेंट की पोजीशन बदले। यदि पेशेंट इज ऑन व्हील चेयर तो आपको हर 15 मिनट से पोजिशन बदलना होगा। यू शुड नीड टू बी चेंज पोजिशन फॉर every 15 मिनट। हर 15 मिनट से आपको पोजीशन को बदलना होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने है। नेक्स्ट, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको देते हुए यहां पर ध्यान से देखना, जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया गया कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 6499 है। और सबसे खास बात बच्चों, इसमें कंप्लीट नर्सिंग के सिलेबस को रिकॉर्डेड वीडियो के साथ, जहां लगभग 1000+ वीडियोस अभी अवेलेबल है, 100% 1000+ वीडियो अवेलेबल है। दूसरा, यूनिट वाइज यहां पर एमसीक्यू है, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के साथ साथ यहां पर रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, इमरजेंसी नर्सिंग भी है बच्चों, और यूनिट टेस्ट भी है, प्लस प्रीवियस 5 ईयर पेपर भी है। इतना सब कुछ, वन एग्जाम फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां रिकॉर्डेड HD क्वालिटी की वीडियो आपको मिलेगा, जेएनसी टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया कोर्स, इसकी प्राइस 6499 है। ये स्पेशली फाइनल ईयर के बच्चों में, थर्ड ईयर के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी थ्योरी अच्छी नहीं है, एक बार इस सिलेबस के गो थ्रू जाके देखिएगा, अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करोगे। और ये मैं नहीं, आप जैसे पढ़ने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का रिव्यू है, जिन्होंने इस कोर्स को लिया है, अडॉप्ट किया है और पढ़ के बदलाव महसूस किया, आप भी उनसे रिव्यू जरूर लें और खुद को जेएनसी परिवार से जोड़िए। जिन्होंने
थ्योरी कंप्लीट कर रखा है और एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना चाह रहा है, जिसके लिए अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है बच्चों, जिसने पहले कहीं कोचिंग कर रखी हो, ऑलरेडी पढ़ रखा हो, सेल्फ स्टडी कर रखा हो, एग्जाम में कुछ मार्क्स से रह गए हो, 2 या 4 मार्क्स से आप रह जाते हो सेलेक्ट होने से, या फ्रेशर हो, या वो बच्चे पिछले नॉर्थ सेट में क्वालिफाई तो किए बट फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, उनके लिए तो रामबाण है बच्चों। जिन्होंने क्वालिफाई तो किया बट फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, वो बच्चे भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो तरीका दोनों का एक ही है, प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉग इन करके आप इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बट याद रखना, ऑफर का बेनिफिट जरूर लीजिएगा। तो आज की अपनी इंपॉर्टेंट जर्नी यहीं तक थी, हमने कोशिश की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक डिलीवर करने की, और मुझे पूरा यकीन है आपने सुबह से आज बैट स्टोर को बहुत अच्छे से पढ़ा, उस पर बनने वाले कुछ क्वेश्चन मैंने आप तक डिलीवर किए, अपने पेंडिंग एमसीक्यू भी आप तक डिलीवर करने की कोशिश की। लगातार ऐसे ही प्यार स्नेह बनाए रखिएगा, मेरा वादा आपसे बच्चों, हर वक्त मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहूंगा, बस आप चलने की कोशिश करें, आपके सामने आने वाली हर बाधाओं को हटाने की कोशिश करूंगा, और एक सही पाथवे, सही ट्रैक पे कैसे चलना है यह सिखाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, पढ़ना क्या है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, जब हम कभी कभी हारा हुआ महसूस करते तो कैसे एक बार उस डबल एनर्जी के साथ जाग के उठना है, ये सब आपके लिए हमेशा करता रहूंगा। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, और मैं कोविड वॉरियर्स को एक बार सैल्यूट करता हूं बच्चों, जो इस कोरोना महामारी में अपने परिवार को छोड़ करके देश के लोगों को बचाने में तत्पर लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कोविड ड्यूटी के साथ भी स्टडी कर रहे हैं, बहुत बहादुर है बच्चे, आपको मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। बड़े बुजुर्गों का घर में ख्याल रखिएगा, वैक्सीन जरूर लगाएं, और नॉर्थ सेट के लिए अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखें, क्योंकि बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है, और उस हैपनिंग से अपने आप को डाइवर्ट होने से प्रिवेंट करने का सही तरीका है पढ़ाई के साथ जुड़ी रहेगा। तो बच्चों, कर फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।